नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इसी तारतम्य में आज आईटीएम ग्रुप द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस रैली में लगभग 2500 बच्चों ने भाग लिया, जो कि एक मानव श्रृंखला के रूप में शहर को संदेश दे रहे थे। वह जल है तो कल है और पर्यावरण बचाओ जैसी तख्ती लेकर चल रहे थे। प्रभात फेरी के प्रारंभ में छात्र छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर चल रहे थे। इसके पीछे अन्य छात्र और छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज तथा स्कूल का स्टाफ चल रहा था। यह फेरी नागा चंद्रबदनी से प्रारंभ होकर चेतकपुरी, वसंत विहार, चौपाटी होते हुए फूलबाग स्थित गांधी उद्यान पहुंची। फूलबाग पर यह प्रभात फेरी एक सभा में बदल गई। उक्त जानकारी आईटीएम कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एस एस भाकर ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी इतिहास को बलिभांति समझे, इसी उद्देश्य को लेकर यह प्रभात फेरी निकाली गई है और युवाओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाएं। ये जो बात आती है कि जो कुछ लोग भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से आजादी लेने के पक्ष में थे और महात्मा गांधी शांति से सत्याग्रह के रास्ते से आज़ादी लेने के पक्षधर थे, लेकिन इनमें ये समानता थी कि आज़ादी के लिए ही सभी तन मन से लगे हुए थे, महात्मा गांधी जी भी और दूसरे लोग भी। लेकिन एक बात समझना जरूरी है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर एस एस भाकर, शेर सिंह भाकर। आईटीएम द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है, क्या उद्देश्य है, क्या योजनाएं हैं इसको लेकर के? आज महात्मा गांधी की 154वीं वर्षगांठ है और 154वां बर्थडे है, तो इस दिन हमने सोचा कि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराया जाए, क्योंकि ये जो जिस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, जिस तरह की बातें महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बुक्स वगैरह में भी लिखी हैं और जिस तरह की बातें पॉलिटिकल सर्कल्स में होती हैं, तो उनको रियलिटी से अवगत करवाया जाए, वास्तविकता से अवगत करवाया जाए कि महात्मा गांधी क्या थे, क्या चाहते थे, क्या करते थे, क्या उनका जीवन दर्शन था और देश के लिए उन्होंने क्या किया है। इन सबको याद करने के लिए, इनको सबको बताने के लिए आज हमने प्रभात फेरी निकाली है और प्रभात फेरी में उनको जो सबसे प्यारा था तुलसी, वो हमने लोगों में बांटी है। तुलसी का के पौधे हमने बांटे हैं ताकि लोगों को ये भी, बच्चों को ये पता चले कि तुलसी क्यों बांटी जाती है और उसका क्या महत्व है। तो इस सब के लिए ही ये हमने प्रभात फेरी निकाली। कई बच्चे हाथ में जल है तो कल है, पर्यावरण बचाओ, जी ये सब उनको, ये उनको पट्टियाँ हाथ में इसलिए दी जाती हैं ताकि वो महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जब वो पट्टी हाथ में लेते हैं तो देखते हैं उनको भी थोड़ा समझ आती है और उस बारे में जो उसके ऊपर स्लोगन लिखा है पट्टी के ऊपर, तो उस बारे में बच्चे सोचते हैं। ये देखते हुए, ये किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, तो खुद के लिए आना है कि जो पट्टी हम हाथ में लिए हैं क्या हम उसका आचरण भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रभात फेरी में जो पट्टियाँ दी गई हैं बच्चों को, उस पर्पज़ के लिए दी गई। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।